अयोध्या में नया घाट से शहादतगंज तक सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। पवन पांडे ने कहा, भाजपा की भगवान श्री राम की पूजा तभी सार्थक होगी जब प्रजा के आंख में आंसू न आए। उन्होंने कहा कि सरकार अपना वादा निभाए। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने व्यापारियों से वादा किया था कि वे घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान देंगे। अगर सरकार वादा नहीं निभाती है तो यह भी भ्रष्टाचार होगा। करके अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो भी भ्रष्टाचार है, और मैं कहना चाहूंगा ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करना चाहिए। आज आप बताइए, शहादतगंज से लेकर रिकाबगंज नियामा होते हुए गुदड़ी बाजार चौराहा खवासपुरा साहबगंज होते हुए आप पूरा अगर ऐसे तोड़ देंगे तो शहर का स्वरूप क्या होगा? जो तीन चार पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, जिनकी मकाने हैं, उनका उनका परिवार कहां जाएगा? अगर आप अच्छा सही मुआवजा नहीं देंगे तो मकान कहां बनवाएंगे, जमीन कहां लेंगे? इन सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को विचार करना चाहिए कि प्रभु श्री राम की पूजा तभी सफल होगी, प्रभु श्री राम की याचना तभी सफल होगी जब यहां की प्रजा के आंख में आंसू ना आने पाए, उनके हाथ में कटोरा ना आए, उनका व्यापार कारोबार बचा रहे, उनका मकान और दुकान बचा रहे। जब यहां पर रहने वाली जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, जब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी तभी इनकी प्रभु श्री राम की पूजा सार्थक होगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से केंद्र प्रदेश की कहना चाहता हूं। हमारा निवेदन है कि जनता को सताइए मत, जनता को रुलाइए मत, जनता के व्यापार को चौपट मत करिए।